आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर से इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से ये बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर संदिग्ध आईईडी बरामद हुआ है। विस्फोटक का पता लगने के बाद जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। बम निरोधक दस्ता मौके पर बुला लिया गया। पुलिस और सेना का ये ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाकर आईईडी की जांच चल रही है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। बड़ा अपडेट बांदीपोरा से, जहां पर संदिग्ध आईईडी बरामद हुआ। संदिग्ध आईईडी को बरामद करने के बाद में, यानी कि उसके मिलने के बाद में, यहां पर बम निरोधक दस्ता बुला लिया गया। कोई भी अनहोनी ना हो, अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर अब बहुत कोशिशें तेज हो गई हैं। पुलिस और सेना की ये संयुक्त टीम है जिसने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में नदियाल इलाके में विस्फोटक सामग्री का पता लगाया। दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया गया है। जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक को रोकना जरूरी भी है, क्योंकि बम निरोधक दस्ता जब बम को डिफ्यूज करता है, कई बार घटनाएं घट जाती हैं और उसी से आम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए दोनों तरफ से ट्रैफिक रोका गया। ऑपरेशन अभी भी जारी है। संदिग्ध ये आईईडी मिला है, जिसके बाद में बॉम्ब स्क्वाड जो है वो मौके पर पहुंच गया। सेना और पुलिस का ये साझा ऑपरेशन लगातार चल रहा है। विस्फोटक का पता लगने के बाद से ही तेजी से जांच आगे बढ़ रही है। रास्ता रोका गया है, दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया गया। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, बांदीपोरा में संदिग्ध आईईडी बरामद हुआ है। विस्फोटक का पता लगने के बाद जांच तेजी से आगे बढ़ गई है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आशिक मीर, बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश हो रही होगी, अभी का अपडेट क्या है और कहां से ये आईईडी मिला? देखिए, बिल्कुल, अगर हम बांदीपोरा की बात करें, यहाँ पर नादीहाल के करीब आज सुबह आरओपी, जो कि रोड ओपनिंग पार्टी होती है, जब भी कॉन्वॉय इस रास्ते से गुजरती है तो सबसे पहले रोड ओपनिंग पार्टी जो है ग्रीन सिग्नल देती है, और इसी तरह आज बांदीपोरा नादीहाल हाईवे पर जो है एक ऐसा चीज मिला, एक प्रेशर कुकर मिला जो कि वहां पर रखा गया था, और उसके बाद जो है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तमाम टीम्स आई, बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया, और उसके बाद जो है वहां पर कई घंटों तक ट्रैफिक जो है रोकना पड़ा दोनों तरफ से, क्योंकि ये हाईवे जो है श्रीनगर को कनेक्ट करता है और इस हाईवे पर हमेशा जो है अलर्टनेस देखने को मिलती है, और काफी घंटों, लगभग दो घंटों तक जो है ट्रैफिक रोकना पड़ा, और उसके बाद जो है उस सस्पिशियस चीज को वहां से हटा दिया गया। हालांकि अभी भी जो है सर्च वहां पर चल रही है आसपास के इलाकों में। जो प्रेशर कुकर वहां पर पाया गया उसमें से फिलहाल जो है उसकी जांच चल रही है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साथ वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी, आर्मी भी है, और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जिस तरह से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस भी जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं, तो हमेशा ये खदशा रहता है कि कहीं ना कहीं आईईडी जो है हो सकती है। और कल जिस हिसाब से बांदीपोरा में ही एनकाउंटर हुआ, वहां पर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक आतंकी को जो है सुरक्षा बलों ने धर दबोच कर मार दिया गया, और उसके बाद जो है आज सुबह इस इलाके में जो है सनसनी फैल गई जब एक प्रेशर कुकर को रास्ते पे देखा गया, और उसके बाद जो है सुरक्षा बलों की तमाम टीमें जो है इस जगह पर पहुंची। सबसे पहले किसने देखा ये प्रेशर कुकर? देखिए, जब सुबह रोड ओपनिंग पार्टी, जब भी इस हाईवे से कॉन्वॉय गुजरती है तो उससे पहले जो है रोड ओपनिंग पार्टी, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस की विंग एक होती है, वो इस रास्ते पर चेक कर रहे थे और उनको एक प्रेशर कुकर मिला। उसके बाद जो है वहां पर उन्होंने तमाम तर सिक्योरिटी की टीम्स को बुलाया, और बाद में जो है बीडीएस की टीम को बुलाया गया, बम डिस्पोजल स्क्वाड को, और उन्होंने इस पूरी तरह से इसको जांच लिया, और बाद में जो है इस प्रेशर कुकर को वहां से हटा दिया गया और ट्रैफिक को रेस्टोर किया गया। हालांकि अभी भी इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और लगातार अगर हम देखें तो एंटी टेरर ऑपरेशंस के साथ साथ ये भी खदशा रहता है कि कहीं आईईडी ना हो। फिलहाल इस प्रेशर कुकर को वहां पे उठा दिया गया है और इसकी जांच भी वहां पर चल रही है। जी, हालांकि आपने कहा कि जांच जारी है आशिक मीर, लेकिन क्या उस जांच टीम से आपका कोई भी कॉन्टैक्ट हो पाया हो, कोई ऐसा एक्सक्लूसिव जानकारी मिल पाई हो? और अगर मैं दर्शकों के लिहाज से बहुत सीधी लैंग्वेज में पूछूं, कई बार बम होते हैं लो इंटेंसिटी के, जो सिर्फ दहशत फैलाते हैं, नुकसान नहीं करते, कई होते हैं जो हाई इंटेंसिटी के होते हैं, बड़ी तबाही, बड़ा नुकसान करते हैं, तो ये जो संदिग्ध आईईडी मिला है इसको लेकर जानकारी क्या है? अगर ये फटा तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी? देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका मटेरियल जो इस प्रेशर कुकर में रखा गया था ये कितनी इंटेंसिटी वाला विस्फोट हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं डर और खौफ फैलाने के लिए एक प्रेशर कुकर को रास्ते में रखना ही बहुत कुछ होता है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज हमेशा जो है सेफ्टी बरतती है,
लोगों की सिक्योरिटी देखती है कि लोग किस तरह से महफूज रहे। और इसी तरह जो है यहाँ पर एक प्रेशर कुकर देखा गया जिसका ढक्कन जो है बंद था, और उसके बाद जो है फिलहाल पुलिस ने इस प्रेशर कुकर को जो है अपनी तहवील में ले लिया और फिलहाल इस पर भी जो है जांच चल रही है। अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हैं आशिक मीर कि कुकर था, बंद था, लोगों को ये शक हुआ और आईडी बम होने की जानकारी मिली, लेकिन अभी ये पुख्ता तरीके से पूरी डिटेल सामने नहीं आई है कि प्रेशर कुकर के अंदर है क्या। बिल्कुल, यही कह सकते हैं हम कि अभी तक ये सिक्योरिटी फोर्स या पुलिस की तरफ से भी ये नहीं कहा गया। हालांकि ट्रैफिक को जो है दोनों तरफ से रेस्टोर किया गया है, क्योंकि ट्रैफिक जो है लगभग 2 घंटों तक बंद रहा। इस हाईवे पर जो है काफी ज्यादा दबाव रहता है कि श्रीनगर से बांडीपोरा और बांडीपोरा से श्रीनगर गाड़ियां जो है इसी हाईवे पर चलती है, और कहीं ना कहीं इस ट्रैफिक को रोकने की वजह से भी अब लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किलात थी। लेकिन लोगों की सेफ्टी सबसे पहले देखी जाती है जब इस तरह का जो कोई चीज जो है रास्ते पे पड़ा हो, और खास तौर पर प्रेशर कुकर, क्योंकि इससे पहले भी जब भी यहाँ पर आईडी रखी जाती थी तो प्रेशर कुकर या इसी तरह की चीजें जो है रखी जाती थी, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की अभी तक जाने भी चली गई है। हालांकि सुरक्षा बलों ने सेफ्टी बरती और इस प्रेशर कुकर को वहां से हटा दिया, और फिलहाल इस पर भी जो है जाँच चल रही है। ठीक है, आपने बताया कि अभी जांच जारी है, आपने ये भी कहा कि 2 घंटा करीब ट्रैफिक रुका रहा, अभी उसे बहाल कर दिया गया है। आशिक, अब ये भी बताइए जिस जगह पर ये प्रेशर कुकर मिला और जहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया, एरिया कैसा है? क्या वहां से बहुत भीड़भाड़ गुजरती है? क्या बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है? क्या रिहायशी इलाका आसपास है या फॉरेस्ट एरिया है? एरिया क्या है? देखिए बिल्कुल, अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये बांडीपोरा को श्रीनगर के साथ कनेक्ट करने वाला हाईवे है। आसपास खाली आपको उस इलाके में गांव दूर दूर तक है, लेकिन इस हाईवे पर ये प्रेशर कुकर जो है रखा गया था। कहीं ना कहीं कॉन्वॉय जो है इस रूट से हर रोज निकलती है, और गाड़ियों का ज्यादातर दबाव जो है इस रास्ते पर रहता है। लोगों को कहीं ना कहीं डर और खौफ फैलाने के लिए जो है इस प्रेशर कुकर को वहां पर रखा गया था। अभी ये नहीं कह सकते कि इस प्रेशर कुकर में कुछ था नहीं, लेकिन फिलहाल इस पर जांच चल रही है, क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ से रोज जो है कॉन्वॉय निकलती है, लोगों की भीड़ रहती है गाड़ियों की इस हाईवे पर, क्योंकि ये एक बांडीपोरा को कनेक्ट करता है श्रीनगर के साथ। यानी बांडीपोरा का जितना भी ट्रैफिक श्रीनगर की तरफ जाता है तो वो इस हाईवे से ही गुजरता है। एक महत्वपूर्ण हाईवे है जिसको लेकर जो है आज सुबह ये प्रेशर कुकर उस हाईवे पर मिला। फिलहाल इस प्रेशर कुकर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया है। जांच जारी है और इंतजार कर लेते हैं जब अधिकारियों से आपका संपर्क होगा और ये मालूम हो पाएगा कि आखिर किस मंशा से इस प्रेशर कुकर को रखा था और उसमें है क्या। बहुत शुक्रिया अभी के लिए आशिक मीर, ये सभी जानकारी।